तो प्लीज डोंट गेट इमोशनल, रिंग दे दो प्लीज। नो समर, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, रिंग दे रही है या नहीं? नहीं दूंगी। अब तो हम भी तुझसे रिंग लेके ही रहेंगे। भाई ये रिंग गोल्ड की नहीं है, ये आर्टिफिशियल रिंग है। अरे बात वो नहीं है, बात अब जिद की है। अरे छोड़ना यार, इतना मिल गया काफी है, चल चलते। अरे तुझे डर लग रहा है, तू निकल यहाँ से, मैं रिंग लेके जाऊंगा आज। हम तो क्यों जिद कर रही, दे दो ना, मैं तुम्हारे लिए सेम रिंग ला दूंगा प्लीज। बात रिंग की नहीं है समर, इससे जुड़े इमोशंस की है, ये हमारे प्यार की निशानियां है समर, मैं इस रिंग को नहीं दूंगी। ये है प्यार 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 प्यार। कम ऑन काव्या, कम ऑन, मैं हूं बे। जब वो अनुपमा साड़ी में चढ़ सकती है तो तुम तो डेली जिम जाती हो, इन कपड़ों में तो इजीली चढ़ जाओगी। कम ऑन, लेट्स डू दिस। ओके मगर अनुपमा ने तो भांग पी हुई थी ना? हाँ तो क्या हुआ यार, भांग पी थी तो क्या हुआ, भांग पी के कोई स्पाइडरमैन बन जाता है क्या? नहीं नहीं, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस। बी की डिवोर्स डेट का पता लगाना है तो उतना रिस्क तो मुझे लेना ही होगा। I can do this, I can do this. Yes. Ah! Oh! Mama, mama. Oh, mama. Oh. कैसे करूंगी? भाभी, I need a favor. Mama. क्या हुआ? Tell me. तुम इतनी टेंस क्यों साउंड कर रही हो? All okay ना? हाँ, all okay. Oh God. वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड के घर पे ना एक पार्टी है, मुझे भी इनवाइट किया है एंड आई रियली वांट टू गो, पर यहाँ परमिशन लेने के लिए कोई है नहीं, तो मैं जाऊँ क्या? आई विल बी बैक इन टू आवर्स। नो पाखी, तुम ऐसा नहीं करोगी, ऐसे बिना बताए मेरे और वी के बीच में झगड़ा लगा के खुद पार्टी करने जाना चाहती है। गॉड, दिस चाइल्ड इज सच अ पेन। अगर मम्मी होती तो कोई इशू ही नहीं होता ना, मैं उनसे पूछती और वो मुझे मना भी नहीं करती, इनफैक्ट वो तो पापा को भी मना लेती है। तुम्हारी माँ तो सीएम है, पीएम है, यूएस की प्रेसिडेंट है ना, कि उसकी बात तो कोई टाल नहीं सकता। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें जाने के लिए मना करना पड़ रहा है पाखी, बट प्लीज डोंट फील बैड, पार्टीज तो होती रहती है ना, अगली बार चले जाना। ओके पार्टी में जाओ, भाड़ में जाओ, कहीं भी जाओ यार, यहाँ से हटो बस। हेलो शिवानी, वो मैं पार्टी में नहीं आ सकती यार, मम्मी पापा घर पे नहीं हो और उनकी परमिशन के बिना मैं नहीं आऊंगी। थोड़ी बाकी की बच्ची, सारी डिस्कशन सब कुछ यहीं खड़े होके करेगी क्या? जब तक यहाँ से जाएगी नहीं, मैं वी के रूम में कैसे जाऊंगी? गॉड, मैं बाद में ही आती हूँ। तेरा तो बाप भी देगा इस रिंग को। हे, बाप पे नहीं जाना। क्यों? तुम दोनों का बाप एक ही है क्या? How dare you? कमल, careful! अरे यार तू बच्ची थोड़ी है, तुझे हर चीज समझानी पड़ेगी। Make some issue ना, reason, excuse. देख, ग्रुप स्टडी का बहाना बना ले। Are you mad? नहीं, मैं ऐसे झूठ बोल के नहीं आ सकती। और सच बोलेगी तो नहीं जा पाएगी। डिसाइड कर ले, तुझे कबीर की पार्टी में चलना है या नहीं। आई वॉन्ट टू कम, पर ऐसे झूठ बोल के नहीं आऊंगी मैं। तो बिना बताए चलना। नो नो, ऐसे चोरी छुपके भी नहीं आ सकती हूँ मैं शिवानी। कम ऑन यार, कौन से तेरे पेरेंट्स घर पर जोड़ने पता चलेगा? बट आखिर किसी को पता चल गया तो? पता चल गया तो कोई बहाना बना देना। सोच ले बाकी, अगर कबीर बुरा मान गया ना तो फिर वो तुझसे कभी बात नहीं करेगा। अच्छा ओके, तो मुझे ना ऑटो से पिक करने आ जाना, मैं तैयार रहूंगी। ओके बाय बाय। आई एम सॉरी मम्मी पापा, आपकी परमिशन के बिना जा रही हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं एकदम गुड गर्ल बन के रहूंगी, कुछ गलत नहीं करूंगी। ओह, वो तो अच्छा हुआ मेरे कीज गिर गए और मैंने ढूंढने के लिए वापस आ गई,
वरना पता ही नहीं चलता कि पाखी मैडम के क्या प्लान्स हैं। हेस्टी, अगर पापा डिवोर्स डेट नहीं बता रहे हैं तो आप समझ जाओ ना कि उनकी लाइफ में आपकी क्या जगह है। कल गुलाल और प्यार दोनों का रंग मम्मी का होगा, एंड आई विल मेक इट श्योर। बी प्रिपेयर्ड पाखी, तुम्हारे हर एक बार का जवाब देने का टाइम आ गया है। वो क्या कह रही थी तुम कि तुम वी से मेरी कंप्लेन करोगी? अच्छा, कंप्लेन तो तुम तब करोगी ना जब मैं तुम्हें मुंह खुलने लायक छोड़ूंगी। डोंट वरी पाखी, किसी को पता नहीं चलेगा। हिम्मत कैसे हुई मेरे समर को मारने की? हाथ कैसे लगाए तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई? I'll kill you. मुझे मारेगी? मुझे? अब तुझे कौन बचाएगा? चलिए जी, जी कहाँ है घर? दीदी हमारा इंतजार करी होगी ना? अरे मेरे यादों की बारात, हम अपने घर पे ही है। तो फिर दीदी कहाँ है? तुझे बताया था ना, डॉली का फोन आया था, मीनू की तबीयत ठीक नहीं है। कौन डॉली? अरे डॉली, मेरी बेटी डॉली, उसकी बेटी मीनू, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए लीला वहां गई है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। Don't teach me every time. पापा जी, आज मैं डिनर नहीं करूंगी। क्यों? ये स्नैक्स से पेट भर गया ना। ये लड़की सांप खाती है। हाँ भाजी, नहीं स्नैक, नाश्ता। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। बेटा जब तक खाना बनेगा लगेगा तब तक भूख लग जाएगी। नहीं बापू जी, वो मेरा मन नहीं है, और वैसे भी एक घंटे बाद ना वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मेरी ग्रुप स्टडी चालू होने वाली है, तो उसके बीच में उठ के खाना खाने नहीं आ पाऊंगी। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। बापू जी, मैं रूम में जा रही हूँ। जल्दी जाके जल्दी वापस आ जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तूने मेरी नंदनी को हार्म करने के बारे में सोचा भी कैसे? How dare you? हिम्मत कैसे है तेरी नंदनी को हाथ लगाने की? छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान ले लूंगा। How dare you touch her? अरे छोड़ दे उसको यार, कुछ नहीं चाहिए हमको। ये तेरा सामान, ये ले। भागो यहाँ से, वरना जान ले लूंगा तुम लोगों की। चल चल। कम ऑन पाखी, आई नो कि तुम कितनी जिद्दी हो। अगर तुमने पार्टी में जाने का मन बना लिया है तो तुम जाओगी जरूर। तुम बस मुझे एक मौका दो पाखी, एक मौका, फिर देखना कि मैं मौके पे चौका कैसे मारती हूँ। समर, are you okay? पागल हो गया? क्या जरूरत थी उनके साथ हाथापाई करने की? तुम्हें कुछ हो जाता तो? और तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक रिंग के लिए अपनी जान खतरे में कौन डालता है? वो रिंग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और मेरे लिए तुम स्पेशल हो नंदू। तो क्या अपने बारे में भी नहीं सोचोगे? तुमने सोचा था, भिड़ गई थी ना उनके साथ, बड़ा हीरोइन बनने चली थी तुम। और तुम भी तो सनी देओल बन गए थे। हाँ तो और क्या करता? अरे तुम तो रिंग के लिए लड़ रही थी, मैं तो फिर भी तुम्हारे लिए लड़ रहा था नंदू। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं जी नहीं पाता नंदू। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाती।
मैं एक बार प्यार को खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खो सकती। ऐसा कभी भी नहीं होगा, डोंट वरी। समर, प्रॉमिस मी कि तुम मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाओगे। यही तो हूँ मैं, तुम्हारे पास हमेशा, कहीं नहीं जा रहा हूँ। But still, promise me. मैंने तुम्हें प्रॉमिस रिंग पहनाई तो थी नंदू। You don't trust me? मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है समर। एक तो बहुत मुश्किल से मेरी लाइफ में खुशी आती है, और जब भी आती है तब ज्यादा दिन नहीं टिक पाती। इसलिए मैं डरती हूँ कि कहीं किस्मत तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। Don't worry. इस बार किस्मत को तुम्हें दुख देने से पहले मुझसे लड़ना होगा। And I promise you, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी नंदू। मैं तुम्हारे पास हूँ और हमेशा हमेशा रहूंगा। LOL. I LOL you way more. राखी मैडम। आई बापूजी। जी बापूजी। आपके लिए कॉफी। थैंक यू सो मच बापूजी। मन लगा के पढ़ना, और कुछ चाहिए तो आवाज देना। जी। और ये दरवाजा अंदर से बंद क्यों किया था? अनुपमा ने ना बोला है ना? बापूजी वो मेरी ऑनलाइन सेशन शुरू होने वाला है ना क्लास का, बाहर से आवाज ना आए, कोई अंदर ना आए, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। और आप तो जानते हैं मामा जी सब भूल जाते हैं, अगर वो गलती से अंदर आ गए और कुछ बोल दिया तो सब मुझ पर हंसेंगे। ओके ओके, हम लोग नहीं आएंगे। और मैं यादव की बारात को भी बोल देता हूँ कि अपनी बारात यहाँ ना लाए। जी बापूजी। मन लगा के पढ़ना। भगवान का शुक्र है कि किसी को लगे नहीं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने ही चाहिए। पुलिस स्टेशन चले? आगे ही है। नहीं, मंदिर चलिए। सुन, इसे कभी भी दोबारा तू अकेले नहीं जाएगी बिना बताए। जान निकल गई थी हम लोगों की, तू नहीं जानती तेरे पापा और मुझ पर क्या बीती है जब तू कभी नहीं जाएगी, समझ गई? I promise मम्मी, मैं दोबारा ऐसी स्टुपिडिटी कभी नहीं करूंगी। मम्मी पापा की परमिशन के बिना जाना अच्छा नहीं लग रहा, एक बार पूछ लेती हूँ। चाहते हैं वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इसे चोरी छुप के जाना सही नहीं है। I should not go. नहीं जाना चाहिए। Where are you, babe? I'm waiting. You ready? I'm coming to pick you up. Sorry, Papa. Sorry, Mommy.
आई नो ये सही नहीं है, बट आई प्रॉमिस मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। अगर आप लोग यहाँ होते तो मुझे कहीं जाने के लिए मना नहीं करते, है ना? इनफैक्ट विंटर को ही कहते मुझे ड्रॉप करने के लिए। मैं जल्दी जाके जल्दी वापस आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। किंजू बेटा, तोशु की फ्लाइट का पता चला? कितने बजे आ रही है? नहीं बापूजी, अभी नेक्स्ट फ्लाइट शेड्यूल नहीं हुई, मुझे लगता है वो कल ही आएगा। ओहो, तोशु तो ट्रॉफी लेकर आ रहा है ना? हाँ। तो काम करते हैं, हम लोग पार्टी का प्लान बनाते हैं। अरे मेरे यादों की बारात, तोशु नहीं समर, समर ट्रॉफी लेके आ रहा है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। अच्छा किंजू बेटा, तेरी बा है क्या वहाँ? हाँ तो उसे फोन दे जरा। जी बापूजी। हाँ बोलिए। मीनू की तबीयत अब कैसी है, डॉक्टर को बताया? नहीं, डॉक्टर क्यों चाहिए, मैं हूं ना इधर, सब ठीक कर दूंगी। घर के पुराने नुस्खे हमेशा जल्दी असर करते, कल सुबह तक खेलने कूदने लगेगी। जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हारी एक गलती की वजह से कितना मजा आने वाला है। हाय बेब। व्हाट इज दिस? तुमने कहा था घर में पार्टी और सब आ रहे हैं। हाँ तो सभी तो है, ये देख विक्की, शिवम, सब है। पर पार्टी लग तो नहीं रही है। अरे कम ऑन बेब, ये कोई बच्चों वाली पार्टी नहीं है जहाँ पे बलून टंगे होंगे और रिटर्न गिफ्ट्स रखी होंगी, यू नो बड़ों वाली पार्टी है। We are just chilling here. No big deal. और बड़ों की पार्टीज ऐसी ही होती है। You look gorgeous. Thanks. समर, हम यहाँ मंदिर में क्यों आए हैं? जब कभी पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है तो हम सीनियर के पास जाते हैं ना? हाँ। By the same logic, अगर प्यार में प्रॉब्लम आती है तो भी हमें सीनियर के पास ही जाना चाहिए। और प्यार में सीनियर कौन है? कान्हा जी, उनकी तरह प्रेम कहानी तो और किसी की भी नहीं है। और तुम परेशान हो, अपने प्यार को लेकर इनसिक्योर हो। For a good reason, जो भी खुशी मुझे मिलती है ना वो मुझसे छिन जाती है। इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, ताकि तुम्हें अश्योर कर सकूँ कि ये खुशी तुमसे कभी नहीं छीनेगी। और ये अश्योरेंस कैसे दिया जाएगा? Come with me. तुम्हें क्या लगा था मैं सीधी साधी लड़की को पटा नहीं पाऊंगा? मैं इसे पटाऊंगा अभी, और बैट जीतने के लिए इसे किस पे करूंगा। समर, हम क्या करने जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। जय श्री कृष्ण। समर, तुम क्या करने वाले हो?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।